नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल डायरेक्ट सेल सर्विसेज में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जून से लेकर दिसंबर 2022 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, जो मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट की बात करें हम तो जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट क्या रहेगी, 69 रुपीज़ रहेगी। नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 59 रुपीज़ रहेगी, और जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक परचेज करना है आपको तो इसकी कॉस्ट मात्र 49 रुपये रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमें किस अभिनेता को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आशुतोष राणा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। और ये है आशुतोष राणा, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है। ठीक है, याद रखिएगा ये नरसिंहपुर से है। बात करें कुमार सानू की, तो कुमार सानू को वर्ष 2021 का हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर अलका याग्निक की, तो अलका याग्निक को भी राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री की, तो विवेक अग्निहोत्री को भी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विवेक अग्निहोत्री को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अलका याग्निक को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2013-14, याद रखिएगा अलका याग्निक को 2013-14 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया है। आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है, और कुमार सानू को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। विवेक अग्निहोत्री का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है और ये डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों, तो ये जीता है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने अभी हाल ही में केरल में आयोजित 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है, और ये ओलंपियन भी है, और ISSF वर्ल्ड कप 2021 न्यू दिल्ली में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम वर्ग में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था। ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है, इनका संबंध किस जिले से है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें यहाँ पर मनीषा कीर की, तो देखिए मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा मनीषा कीर को अभी हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है, और मनीषा कीर का संबंध किस जिले से है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। और देखिए शूटिंग वर्ल्ड कप में हमारे मध्य प्रदेश की मनीषा कीर ने ट्रैप टीम वुमेन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। और बात करें हम यहाँ पर सुमा सिद्धार्थ सिरूर की, तो इनका संबंध भी शूटिंग से है दोस्तों, और ये शूटिंग की कोच है, हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है सुमा सिद्धार्थ सिरूर। तो इनको अभी हाल ही में चीज को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। सुमा सिद्धार्थ सिरूर को अभी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीमा सिद्धार्थ सिरूर का नाम याद रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच है, और इनको अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कोचेज को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर चिंकी यादव की, देखिए MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है, तो चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से है। ठीक है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और बात करें यहाँ पर रूबीना फ्रांसिस की, तो रूबीना फ्रांसिस का संबंध भी पैरा शूटिंग प्लेयर है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। मनीषा कीर, सुषमा सिद्धार्थ सिरूर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, रूबीना फ्रांसिस, ये पांचों का संबंध हमारे मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी से है। और देखिए यहाँ पर मुस्कान किरार का नाम याद रखिएगा, मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है, और मनीषा कीर का संबंध शूटिंग से है। देखिए 65वीं राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, ये केरल में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, ये 20 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के जननायक टाट्या भील की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में टाट्या भील बलिदान दिवस कब मनाया गया है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ठीक है, टाट्या भील बलिदान दिवस कब मनाया जाता है,
ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर 15 नवंबर की डेट भी याद रखिएगा। बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 15 नवंबर को मनाई जाती है। 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट भी लागू किया गया है, ठीक है। तो पेशा एक्ट हमारे मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था? ये 15 नवंबर को किया गया था। किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा की जयंती पर। और अभी हाल ही में 4 दिसंबर को किसका बलिदान दिवस मनाया गया है? तो टाटा भील मामा का बलिदान दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान कौन सा उत्पाद बना है? तो ये धनिया बना है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धनिया। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले की पहचान बना है। और यहाँ बात करें हम टमाटर की, तो मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में सतना जिले की पहचान बना है टमाटर। और बात करें चना की, तो एक जिला एक उत्पाद में दमोह डिस्ट्रिक्ट का उत्पाद किसे चयनित किया गया है? तो ये चना को किया गया है। और कोदो कुटकी के लिए यहाँ पर 4 जिलों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से? एक तो डिंडोरी, एक अनूपपुर, एक मंडला और एक सिंगरौली, ठीक है। तो कोदो कुटकी के लिए 4 जिलों का नाम याद रखिएगा, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और सिंगरौली, ठीक है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? डैम्स, DAMS, ठीक है, डैम्स। इन जिलों का उत्पाद कौन सा है? तो कोदो कुटकी है, डैम से याद रखिएगा, डी से डिंडोरी, ए से अनूपपुर, एम से मंडला और एस से सिंगरौली। और चना का कैसे याद रखोगे? दम, ठीक है, दमोह याद रखिएगा। धनिया, देखिए धनिया किस में डालते हैं? सभी सब्जियों में धनिया डाला जाता है। और नीम की पत्ती भी डाली जाती है, ठीक है, तो नीम से नीमच याद रखिएगा। और धनिया, नीम की पत्ती और धनिया साथ में डालेंगे तो धनिया से क्या हो जाएगा? नीमच हो जाएगा। टमाटर कैसे याद रखोगे आप? देखिए टमाटर जो है 100% लोग खाते हैं हमारे देश में, टमाटर 100% लोग खाते हैं, तो सतना याद रखिएगा, ठीक है, सभी लोग टमाटर खाते हैं। तो अभी हाल ही में 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक 8वां खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये खजुराहो में किया जा रहा है। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है वहां के संत है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ओसा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री है। और गोविंदा जो है हमारे मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। और देखिए ये जो 2021 का खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से गोविंदा को सम्मानित किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में शामिल किया गया था। और 1989 में सांची को शामिल किया गया था। और 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था। एक बार हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्सव के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में किया जाता है, ठीक है, खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये सांची में किया जाता है। निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, निर्जनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मांडू महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है अभी हाल ही में? तो ये हनुवंतिया टापू में। हनुवंतिया टापू कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में ही किया गया था, ठीक है। विज्ञान मेला और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भोपाल में। और पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था, ठीक है, पहले ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में किया गया था। और निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये महेश्वर में किया जाता है। और महेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर कौन होगी? तो ये सौम्या तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सौम्या तिवारी। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, तो इसमें खेलने वाली भोपाल की पहली महिला क्रिकेटर होगी। पूजा वस्त्रकार का नाम याद रखिएगा, इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है और ये भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करती है। पूजा वस्त्रकार का संबंध किस जिले से है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया था। यहां पर जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी। रनर अप कौन रही थी? इंग्लैंड रही थी, ठीक है। तो यहां पर पूजा वस्त्रकार ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे लंबा चक्का लगाया था। संध्या अग्रवाल का नाम भी याद रखिएगा, संध्या अग्रवाल भी हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से है? ये इंदौर से है। और संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है। सुब्धा भोसले का नाम भी याद रखिएगा, सुब्धा भोसले का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और ये हमारे देश की सबसे युवा महिला एम्पायर बनी है, ठीक है, सुब्धा भोसले, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों अभी आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है,
किसे हराकर? मुंबई को हराकर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? आदित्य श्रीवास्तव थे। और कोच कौन थे? चंद्रकांत पंडित थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इरफान अली, गुयाना। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। और ये कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है? तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, हमारे इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली, और ये गुयाना देश के राष्ट्रपति है। हिपी केपुनके पोहाम्बा ये नामीबिया के राष्ट्रपति है, और नामीबिया से अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते। कब? ये 17 सितंबर को। 17 सितंबर से ही हमारे मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है। हाल ही में घोषणा की गई है कि 12 चीते हमारे मध्य प्रदेश के कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। ठीक है, आरिफ अलवी ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की प्रशंसा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंदौर में 9 से 11 जनवरी 2023 तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों इस समिट में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे, और हमारे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में कैसा निवेश किया जाए इस पर चर्चा होगी। और दोस्तों इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कब से कब तक किया जा रहा है दोस्तों? ये 9 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है, और यहाँ पर हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो भी सम्मिलित होगी दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 2 क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में और असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, दोनों जगह। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी और सी, दोनों। देखिए, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूपा का उद्घाटन भी किया है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परम कामरूपा ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कहां पर किया गया है? तो ये IIT गुवाहाटी से हुआ है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की 2 क्षेत्रीय संस्थाओं की आधारशिला कहाँ कहाँ रखी है? तो ये जबलपुर में रखी है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, और डिब्रूगढ़ में रखी है जो कि असम में है। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों दोस्तों। यहाँ पर शैलेंद्र सिंह को 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है, आनंद मिलिंद को 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है, और कुमार सानू को दोस्तों 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 28 सितंबर को किया गया था। हाल ही में किस झील को मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये यशवंत सागर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों यशवंत सागर कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है दोस्तों? चौथी रामसर साइट है। और देखिए दोस्तों, सबसे पहली रामसर साइट हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी थी? तो वो भोज वेटलैंड थी। भोज वेटलैंड कहां पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट की जो बड़ी झील है वहां पर है भोज वेटलैंड। इसको कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था दोस्तों? 2002 में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरी रामसर साइट कौन सी थी? ये साख्य सागर झील थी। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी दोस्तों? ये सिरपुर तालाब है। ये भी कहां पर है? ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट कौन सी बन गई है? यशवंत सागर बन गई है। ये भी इंदौर में है। तो इंदौर में अब रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 2 हो गई है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में 4। और हमारे देश में कितनी हो गई दोस्तों रामसर साइट की संख्या? तो ये 75 हो गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग मित्रवत स्मारक श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो ये भोजपुर शिव मंदिर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर शिव मंदिर। और दोस्तों भोजपुर शिव मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है?
तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है। और इसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1010 ईस्वी से लेकर 1053 ईस्वी तक। और इसे उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। हम यहाँ पर खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने 1950 से 1050 के मध्य करवाया था। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1986 में शामिल किया गया था। अब बात करें हम यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर की, तो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, इसमें से एक महाकालेश्वर में भी है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। पशुपतिनाथ मंदिर की बात करें तो देखिए, पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? ये नेपाल में है। लेकिन पशुपतिनाथ का एक मंदिर हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में भी है। किस नदी के किनारे है? तो ये सिवना नदी के किनारे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा विवेक अग्निहोत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेक अग्निहोत्री को हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। और ये है विवेक अग्निहोत्री। देखिए, राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अमिताभ भट्टाचार्य को, ठीक है, 2020 से अमिताभ भट्टाचार्य को। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अशोक मिश्रा को, है अशोक मिश्रा। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो देखिए, 2018 से वहीदा रहमान को, 21 का विवेक अग्निहोत्री को, और 2020 का अमिताभ भट्टाचार्य को, और 2019 का अशोक मिश्रा को। और देखिए, यहाँ पर हम विवेक अग्निहोत्री जी की बात करें तो ये कश्मीरी फाइल्स के डायरेक्टर भी है। और इनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2,00,000 रुपए दी जाती है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा निर्देशन, अभिनव और गीतकार को दिया जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर के नए परिसर महालोक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। कब किया? 11 अक्टूबर 2022 को किया है। डेट भी याद रखिएगा, 11 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण कहां पर किया है? ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के महाकालेश्वर मंदिर में किया है। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन नगर का प्राचीन नाम उज्जैनी व अवंतिका हुआ करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो ये उज्जैनी भी था और अवंतिका भी था। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं और हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी किसे कहते हैं? तो ये उज्जैन को कहते हैं। और उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन को अपनी राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। मौर्य सम्राट अशोक भी उज्जैनी के राज्यपाल रह चुके हैं। और देखिए, उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। इसके पहले कुंभ का मेला कब लगा था? तो ये 2016 में लगा था। अब कब लगेगा? तो 2028 में लगेगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर धनंजय वर्मा को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर धनंजय वर्मा। बात करें हम यहाँ पर अलका याग्निक की, तो देखिए, अलका याग्निक को अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2013-14 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर कुमार सानू की, तो कुमार सानू को भी हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 से 13 नवंबर 2022 तक कृषि मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कृषि मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। हमारे देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2021 को किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलेंगे। कहां कहां पर? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में और सतना में। और वर्तमान में स्वामित्व योजना के तहत 35 ड्रोन काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? तो ये 22 से 26 दिसंबर 2021 तक किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन मेले की थीम क्या थी? लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था 2021 में? तो ये महेश्वर, जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां पर किया गया था।
कब से कब तक? 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक किया गया था। तो निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के महेश्वर में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। तुमार मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट के हनुमंतिया टापुओं में किया जाएगा। हाल में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्गावती अभ्यारण और ये नौराधी अभ्यारण को मिलकर बनेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है? तो वो है नौरादेही अभ्यारण। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने क्षेत्रफल में है? तो 1194 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है? तो ये है राला मंडल अभ्यारण। किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। रातापानी अभ्यारण हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वैसे तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो 6 नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, और एक अभ्यारण है वो कौन सा है? रातापानी अभ्यारण प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। रातापानी अभ्यारण किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय नैक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों हरित वसुंधरा अभियान, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है कैलाश विश्वास सारंग। तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री भी कौन है? तो यह है यशोधरा राजे सिंधिया। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में किस जिले के लोक समुदाय के धाजा सुदर्शन चक्र का प्रतीकात्मक स्वरूप का प्रदर्शन किया गया है दोस्तों? तो ये किस जिले का? रीवा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, ये कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ये 1977 में की गई थी, ठीक है। इसका नाम दोस्तों 1985 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1993 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1970 में की गई थी, फिर इसका जो नामकरण है वो 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया, और 1993 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया। यहाँ बात करें हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में भी हाल ही में पूछा गया था। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मिसेज मध्य प्रदेश 2022 गोल्ड कैटेगरी का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है तमन्ना कुरैशी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। और ये है तमन्ना कुरैशी, इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का आयोजन ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और इसकी जज कौन थी दोस्तों? अदिति गोवित्रीकर थी, ठीक है। और दोस्तों जो अदिति गोवित्रीकर है ये 2001 में मिसेज मध्य प्रदेश रह चुकी है। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से हमारे मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कौशर सिद्दीकी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। कौशर सिद्दीकी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हम यहाँ पर सुमित्रा महाजन की दोस्तों, तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको ताई के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए दोस्तों इनको 2021 का पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, किसे? सुमित्रा महाजन से। और ये हमारे देश की दोस्तों दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। बात करें यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है, और ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनको दोस्तों 2014 को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीजेई में पूछा गया था, एमपीजेई व्यापम में पूछा गया था 2018 में। और दोस्तों इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी, ठीक है। कपिल तिवारी की बात करें दोस्तों, तो कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है, और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ दोस्तों भूरी बाई, भूरी बाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है?
झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और भूरीबाई को भी दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भूरीबाई दोस्तों, भूरीबाई का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है, तो ये भील जनजाति से है। भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों, तो चित्रकला से है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है दोस्तों, तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों, 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों, तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित ए फॉर एम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित ए फॉर एम यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 दिया गया है। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रजत पदक। और दोस्तों ये है पूजा ओझा। ठीक है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीता है। और ये वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था, कनाडा में किया गया था। तो वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी कौन सी बन गई है, तो वो भी पूजा ओझा बन गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की पहली बेटी बन गई दोस्तों पूजा ओझा, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैरा कैनो के बारे में जो प्राची यादव है, उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, प्राची यादव भी दोस्तों एक पैरा कैनो प्लेयर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, प्राची यादव का संबंध। और इनको अभी 2020 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया दोस्तों हमारा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये भोपाल से किया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया है दोस्तों, तो ये 8 अगस्त को किया गया है। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा। सुन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा महिला पर्यटकों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों, तो ये संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संकल्प सुरक्षित पर्यटन का। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। के लिए मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाएगी, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में चरखा चाक उत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गौहर महल में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है 16 अगस्त को, तो ये हमारे मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष है श्री जितेंद्र लिटोरिया, तो इनके द्वारा किया गया है। और ये है दोस्तों श्री जितेंद्र लिटोरिया, हमारे मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की कल्पना गुर्जर ने इटली में आयोजित विश्व ब्रिज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और ये है दोस्तों कल्पना गुर्जर। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, तो ये की जाएगी युवा अन्नदूत योजना की। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, युवा अन्नदूत योजना। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना की, अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। और ये किसके लिए शुरू की जाएगी दोस्तों, जो स्व सहायता समूहों की महिलाएं हैं उनके लिए स्टार्ट की जाएगी। बात करें दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये 5 अप्रैल को की गई थी 2022 में। ठीक है,
तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों, 5 अप्रैल को की गई थी। और कहां से की गई थी, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की गई थी। उद्यम क्रांति योजना किस विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो एमएसएमई विभाग यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये 2 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक की किया गया। देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा जिला बन गया दोस्तों, तो ये मंडला जिला बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बनेगा। हाल में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 के आयोजन का शुभारंभ किसने किया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री ओम प्रकाश सकलेचा। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। मोहन यादव दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, ठीक है, मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के, तो ये है इंदर सिंह परमार है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के, विश्वास सारंग जी है। और हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों, यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम तुलसी सिलावट की, तो इनके पास हमारे मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 की, तो इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों, ये 22 अगस्त से 26 अगस्त तक की किया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये कहां पर हो रहा है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है। और ये कौन सा संस्करण है दोस्तों, तो ये 12वां संस्करण है। दोस्तों हमारा जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों, तो ये द्वितीय स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान। तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर अमृत सरोवर योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, ये 24 अप्रैल 2022 से हुई थी, ठीक है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में नमकीन क्लस्टर बनाए जाने की मंजूरी दी गई दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। किस जिले में स्थित एशिया का पहला कागज कारखाना, इसका नाम क्या है दोस्तों, नेपा लिमिटेड फिर से शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये किस जिले में है नेपा लिमिटेड, ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपा लिमिटेड जो है वो कागज बनाने का कारखाना है और ये एशिया का पहला कागज बनाने का कारखाना है, ठीक है, ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये इकाई दोस्तों 2015 में बंद कर दी गई थी, अब दोस्तों 2022 में इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसका लोकार्पण दोस्तों अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे देश के जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री है महेंद्रनाथ पांडे, ठीक है, तो इनके द्वारा इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये मांडू को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मांडू। और दोस्तों बात करें हम यहां पर मांडू की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और मांडू को दोस्तों सादियाबाद अर्थात हर्षनगर से भी जाना जाता था। मांडू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, मंडप दुर्ग था या मांडवगढ़ था, ठीक है, तो इसका प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, मांडू का मंडप दुर्ग या मांडवगढ़। दोस्तों जहाज महल हिंडोला महल भी कहां पर है, तो ये मांडू में है, ठीक है, जहाज महल और हिंडोला महल। जहाज महल और हिंडोला महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, बाज बहादुर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1554 में करवाया गया था। टीवी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और क्या है दोस्तों, मांडू में रानी रूपमती महल भी है। और मांडू को दोस्तों आनंद नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम खजुराहो की, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों खजुराहो में भव्य मंदिर है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो ये चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था दोस्तों, 950 से लेकर 1050 ईस्वी तक की करवाया गया था। और दोस्तों खजुराहो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों हम यहाँ पर सांची की, तो सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सांची एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन महात्मा बुद्ध वहाँ कभी नहीं गए, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सांची एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बौद्ध स्तूप है, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए। सांची को दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था,
ये 1989 में शामिल किया गया था। बात करें दोस्तों यहाँ पर ओरछा की, तो ओरछा हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। और ओरछा को बुंदेलों ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी। दर्शनीय स्थल कौन कौन से दोस्तों, जहांगीर महल है, चतुर्भुज मंदिर भी है ओरछा में, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, फुलबाग है, शहीद स्मारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां से किया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी कहां से दोस्तों, तो ये राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से किया है। राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 19 अगस्त 2008 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 19 अगस्त 2008 में की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा प्राकृतिक कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए हमारे मध्य प्रदेश के किस शिक्षक का चयन किया गया है दोस्तों, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश से दो शिक्षकों का चयन किया गया है, एक तो नीरज सक्सेना का और एक ओम प्रकाश पाटीदार का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हाल ही में किस जिले के नीलेश देसाई को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। दतिया जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए मेरा बच्चा अभियान कब से चलाया गया है दोस्तों, तो ये सितंबर 2019 से चलाया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2019 से। और दोस्तों अभी ये क्यों चर्चा में है, तो देखिए दोस्तों जो मेरा बच्चा अभियान है ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, और इसके अभी हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2013-14 से किसे नवाजा गया है दोस्तों, तो ये अलका याग्निक को नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अलका याग्निक को दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2013-14 से नवाजा गया है, और ये है दोस्तों अलका याग्निक। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम सुमन कल्याणपुर की, तो सुमन कल्याणपुर को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2016-17 से नवाजा गया है। और बात करें हम यहाँ पर कुलदीप सिंह की, तो कुलदीप सिंह को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2017-18 से सम्मानित किया गया है। 17 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय धम्मदान समारोह का आयोजन किस जिले में किया जाएगा दोस्तों, तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और दोस्तों भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धम्मदान समारोह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। प्रियांशु राजावत का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों, बैडमिंटन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये है प्रियांशु राजावत, इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो धार डिस्ट्रिक्ट से। इनका जन्म दोस्तों धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनके द्वारा मई 2022 में थॉमस कप जीता गया था। इस बार दोस्तों भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है। तो अभी इनको दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, और 1 करोड़ की राशि दोस्तों ऑलरेडी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है इनको। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है देश में, तो देश में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम स्थान। और देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारे मध्य प्रदेश को लगातार 4थी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, जननी और उसके बच्चों की देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार उनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जिसको सरकार 3 चरणों में देती है। इन चरणों में गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भधारण और प्रसव के समय ही सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत दोस्तों 3 चरण है, इसको सरकार पहले 1,000 रुपए की राशि, दूसरे चरण में दोस्तों 2,000 रुपए की राशि, और तीसरे चरण में भी 2,000 रुपए की राशि गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाकी के 1,000 रुपए सरकार तब देती है जब गर्भवती महिला अपने बच्चों को किसी अस्पताल में जन्म देती हो या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो। हाल ही में मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए किस योजना की स्वीकृति प्रदान की है दोस्तों, तो ये भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, तीनों योजनाओं की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना कहां पर खुलेगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में खुलेगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, महाकाल नगरी में खुलेगा देश का पहला पर्यटन थाना। तो हमारा ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश का कौन सा शहर करेगा? तो ये कौन सा शहर करेगा दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। दोस्तों बात करें यहाँ पर ISSF की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये म्यूनिख जर्मनी में है, और इसके भी प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर लिसिन है। देखिए दोस्तों ये है चिंकी यादव, हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग प्लेयर है। ये क्वेश्चन दोस्तों MPPSC 2021 में पूछा गया था। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश में शूटिंग एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2007 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला संविधान पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा दोस्तों, तो ये देवास में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, देवास। इस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को पूर्ण राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाएगा। तो किस राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित ग्राम को दोस्तों पूर्ण राजस्व का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 2018 में मिला था। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेरों यानी बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी है अभी। बात करें दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में कब शामिल किया गया था, ये 2021 में शामिल किया गया है अस्थायी सूची में, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का लंबेटा घाट को भी शामिल किया गया है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दोस्तों। और देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों सफेद शेर पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और साक्षी सागर झील भी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। और साक्षी सागर झील को दोस्तों अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट होगी दोस्तों, 4 रामसर साइट होगी। कहाँ कहाँ पर, तो सबसे पहले 2002 में दोस्तों भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भोज वेटलैंड कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। दूसरी रामसर साइट दोस्तों साक्षी सागर झील है, जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों, और माधव राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और एक यशवंत सागर दोस्तों और एक सिरपुर तालाब, ये दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है, और इनको भी अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो हमारे प्रदेश में 4 रामसर साइट हो गई है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है दोस्तों, तो 75 रामसर साइट है दोस्तों। हमारा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी @20 पुस्तक का विमोचन कहां से किया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दोस्तों इंदौर से मोदी @20 पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देश का सबसे बड़ा वेटरनरी अस्पताल किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये बनाया जाएगा कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की, हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मंडला और बालाघाट दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था दोस्तों, 1974 में किया गया था। तो हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है श्री सुधीर मोता को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री सुधीर मोता को दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम को सम्मानित किया गया है। और 2020 का राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान श्री सुधीर मोता को मिला है। सुन दोस्तों हमारा, सभी के एड्रेस डिजिटल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा, तो ये इंदौर होगा। सुन दोस्तों हमारा, सिविल एविएशन की ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है दोस्तों, तो ये MITS ग्वालियर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नितिन गडकरी जी के द्वारा लगभग 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया गया है। वोटर ID कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला हमारा मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला
मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुरहानपुर। और दोस्तों देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला भी कौन सा बन गया है? तो ये बुरहानपुर बन गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भोपाल की युवा कराटे प्लेयर रूसा तंबत ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा दो मेडल जीते गए दोस्तों, और दोनों मेडल कांस्य पदक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? ये बर्मिंघम में किया गया था। बर्मिंघम कहां पे है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है। और देखिए दोस्तों अभी जो हाल ही में 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो भी कहां पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भी बर्मिंघम में किया गया। तो यहां हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की रूसा तंबत ने दो मेडल जीते हैं और दोनों कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश से मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं दोस्तों? तो ये नामीबिया देश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नामीबिया। और देखिए दोस्तों नामीबिया किस महाद्वीप में आता है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। और नामीबिया से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कुन्नो पालमपुर में 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया दोस्तों? 17 सितंबर 2022 को किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कुन्नो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोपोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो ये 2018 में घोषित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की? 1955 में की गई थी। हाल ही में मध्य प्रदेश में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रभुराम चौधरी। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, और रामकिशोर कावरे हमारे मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री है। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में निहारिका कौरव ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। और इनका संबंध दोस्तों, निहारिका कौरव का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनका संबंध किस खेल से दोस्तों? तो कराटे से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उज्जैन। 20 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इंजीनियर योजना का शुभारंभ कहां से किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 20 सितंबर 2022 को किया गया। किसके द्वारा किया गया है? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और कहां से किया गया है? तो भोपाल से किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी को राज्य स्तरीय मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री का अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय जबलपुर में है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनियां हैं दोस्तों? 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, ठीक है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश के कितने अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है दोस्तों? तो ये 1074 ग्रामों का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमारे मध्य प्रदेश के 1074 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का चयन किया गया है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमपी पटवारी में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास है, स्थानीय संसद सदस्य द्वारा अपनाया गया, 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ विधानसभा के सदस्य द्वारा अपनाया गया या जिला पंचायत के द्वारा अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में किस जिले की अर्चना कुशवाहा को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? ये सतना डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों, और ये समाज सेवी है, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको किसके द्वारा दिया जाएगा? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्चना कुशवाहा का संबंध किस क्षेत्र से है? समाज सेवा से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? सतना डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं, तो ये कौन है दोस्तों?
सत्येंद्र सिंह लोहिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया दोस्तों मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर है जो आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए अद्वित पागे ये हमारे मध्य प्रदेश के स्विमर है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कहां पर, बर्मिंघम में, तो इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, रजनी झा। और यहां दोस्तों बात करें हम रजनी झा की, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की पैरा स्विमर है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश की पहली एकलव्य और विक्रम अवार्ड पैरा स्विमर है। और धर्मेंद्र अहिरवार भी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर है। हमारा पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा। और ये किसके द्वारा मनाया जाएगा दोस्तों, तो भारत के टूरिज्म बोर्ड के द्वारा मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2022 में वेस्ट जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। हाल में किस राज्य को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया दोस्तों, 2023 को। और दोस्तों बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें कितनी सदस्य कंट्री दोस्तों, तो इसमें 193 सदस्य कंट्री है, और 193वां देश कौन सा है, तो ये साउथ सुडान है, दक्षिणी सुडान है। तो अभी इसके महानिदेशक कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। हाल में किस जिले में 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उज्जैन। और देखिए दोस्तों उमा सांझी महोत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जा रहा है, तो ये महाकालेश्वर मंदिर में किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उमा सांझी महोत्सव का आयोजन किस मंदिर में किया जाता है, तो ये महाकालेश्वर मंदिर में किया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला आईवीएफ सेंटर, आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे दोस्तों दूसरी भाषा में हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो ये किस जिले में खुलेगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में खुलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। हाल में किस राज्य को आयुष्मान भारत निरामय और स्वास्थ्य योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया गया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर आयुष्मान भारत निरामय योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी, ये 23 सितंबर 2018 से की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा भी गया था। मंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों, तो ये प्रथम स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एशिया का पहला गौ अभ्यारण हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये आगर मालवा में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगर मालवा। सबसे पहले दोस्तों हम एशिया का जो पहला गौ अभ्यारण है इसकी बात करें, तो इसका नाम क्या है, कामधेनु गौ अभ्यारण है, और ये कहाँ पर है, आगर मालवा में है। आगर मालवा में किस गांव में है दोस्तों, तो सलारिया गांव में है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आगर मालवा की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, 51वां जिला है। किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और कब बना था दोस्तों, तो ये 2013 में बना था। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये निवाड़ी है, और ये कब बना था, 2018 में बना था। और निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। जो कामधेनु गौ अभ्यारण है जो कि आगर मालवा में है, आगर मालवा के सलारिया में, ये अभी क्यों न्यूज में है, क्योंकि इसको भी दोस्तों अभी प्राइवेट हाथों में दे दिया है। इस गौ अभ्यारण की देखरेख दोस्तों अब पथमेड़ा गौशाला ट्रस्ट करेगा जो कि राजस्थान में है। पथमेड़ा गौशाला अभ्यारण के हाथों में दे दिया है कामधेनु गौ अभ्यारण। इसका पहला मुख बधिर अनाथालय हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और देश के पहले मुख बधिर अनाथालय का उद्घाटन कब किया गया है दोस्तों, ये 25 सितंबर को किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत हमारे मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार प्रदान किए दोस्तों, तो ये 8 पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8 पुरस्कार। और दोस्तों ये पुरस्कार कब प्रदान किए हैं, तो ये 27 सितंबर को प्रदान किए हैं। ठीक है, और 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला नाइट गार्डन किस जिले में बनाया गया है दोस्तों, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। हाल में किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति के लिए किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट रूप में चुना गया था, तो ये हरदा डिस्ट्रिक्ट को। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 को, डेट भी याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 2022 को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन भी किया है। और कितनी पुस्तकों का? 3 पुस्तकों का। कौन कौन सी? एक तो बायोकेमिस्ट्री, दूसरी मेडिकल फिजियोलॉजी, तीसरी एनाटॉमी। कि अभी मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कौन सा कॉलेज करवाएगा सबसे पहले? तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में जो कि स्थित है, वो सबसे पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। और यहाँ पर दोस्तों मंदार का नाम याद रखिएगा, ठीक है? मंदार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में एक चिकित्सा हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम है। हिंदी में मेडिकल का पाठ्यक्रम मंदार ने ही तैयार किया है। तो हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया था? 11 अक्टूबर 2022 को किया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 11 अक्टूबर 2022 को किया था। हाल ही में किस जिले के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की एक नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की है? तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले ने किस उत्पाद का चयन किया है? तो ये मक्का और आलू का चयन किया है। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल अवार्ड में हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के कितने शहर में किया जाएगा? तो ये 8 शहरों में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 8 शहर। वो 8 शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए बी से भोपाल और बी से बालाघाट, ये 2 शहर हो गए। एक एम से मंडला और एक एम से महेश्वर, ये 4 हो गए। और इसके बाद एक जबलपुर जो कि हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, और एक उज्जैन, ठीक है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, और एक ग्वालियर और एक इंदौर, ठीक है? तो ये 8 शहरों में आयोजित किए जाएंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। और देखिए इसके साथ ही दिल्ली में भी आयोजित किया जाएगा, दिल्ली में साइकिलिंग का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? तो मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली में भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, और एक गेम जो कि साइकिलिंग वाला है वो दिल्ली में होगा। मध्य प्रदेश में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर का खिताब प्रदान किया गया है? तो ये हाजी मुबारक खत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? हाजी मुबारक खत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये इस्माइल सुलेमान जी खत्री, इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है। मोहम्मद बिलाल खत्री का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से है, और मोहम्मद यूसुफ खत्री का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है, और ये चारों दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के शिल्पकार हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार यानी इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 की बात करें तो इसमें द मास्टर आर्टिसंस में भारत देश के 2 शिल्पकार को मिला है। कौन कौन? अमिता सचदेवा और मुबारक खत्री को मिला है। मुबारक खत्री को किस श्रेणी में यह अवार्ड प्राप्त हुआ है? द मास्टर आर्टिसंस में। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश से पहले मिस्टर इंडिया विनीत शर्मा बने हैं। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? अशोकनगर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अशोकनगर। देखिए अभी तक मिस्टर इंडिया हमारे मध्य प्रदेश से कोई भी नहीं रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे मध्य प्रदेश से कोई मिस्टर इंडिया बना है। कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है विनीत शर्मा, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? अशोकनगर से है। ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रीन सिटी इंडेक्स कब जारी किया गया है? तो ये 25 अक्टूबर जब गोवर्धन पूजा थी उस दिन जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है। 12 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश घुड़सवारी एकेडमी कहां पर है? तो ये भी भोपाल में है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, ठीक है?
और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, तो एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है जो कि 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद विक्रम अवार्ड दिया जाता है, विक्रम अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्वामित्र पुरस्कार कोचेज को दिया जाता है। देखिए 2020 का एकलव्य पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे मिला था, तो ये अर्जुन सिंह को मिला था। ठीक है, अर्जुन सिंह को घुड़सवारी के लिए 2020 का एकलव्य पुरस्कार मिला था। और अर्जुन सिंह कहाँ से है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। देखिए 2020 का विक्रम पुरस्कार घुड़सवारी के लिए किसे मिला था, तो ये परिधि जोशी को मिला था। ठीक है, परिधि जोशी को घुड़सवारी के लिए विक्रम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। परिधि जोशी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, परिधि जोशी का संबंध किस खेल से है, घुड़सवारी से है, और इनको घुड़सवारी के लिए 2020 में विक्रम अवार्ड मिला था। प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मलखंब है। इसको कब घोषित किया गया था, 2013 में किया गया था। और देखिए इसमें मलखंब के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है, प्रभात जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। और तो प्रभात जोशी खेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, वैष्णवी कहार को। ठीक है, इनका संबंध भी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है, और ये किस खेल से है, मलखंब से है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है दोस्तों, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बुधनी तहसील के तालपुरा गांव से किया है। इसका पहला नाइट गार्डन किस जिले में बनाया गया है दोस्तों, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद और कुमार सानू तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों दोस्तों। यहाँ पर शैलेंद्र सिंह को 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान मिला है, आनंद मिलिंद को 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है, और कुमार सानू को दोस्तों 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। कब किया गया था, तो ये 28 सितंबर को किया गया था। इसी अवसंरचना निधि मतलब दोस्तों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रयोग में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान पर। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठवीं बार हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर को स्वच्छतम शहर का अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर भारत का पहला 7-स्टार कचरा मुक्त शहर भी किसे घोषित किया गया है, तो ये इंदौर को किया गया है। तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो वो भी हमारे मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 के लिए किस संस्थान को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों, तो ये ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान जो है वो संस्था को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो 2021 के लिए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है दोस्तों, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। और 2020 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था, भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को मिला था। 2019 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था दोस्तों, अखिल विश्व गायत्री परिवार को मिला था। और 2018 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला था, ये लोकायुक्त पुणे को मिला था। राज्य सरकार के द्वारा पेशा एक्ट लागू किया गया है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और ये एक्ट कब लागू किया गया दोस्तों, तो ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन लागू किया गया है। इस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सम्मिलित हुई थी इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये शहडोल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस का मुख्य आयोजन कहां पर किया गया था, शहडोल में आयोजित किया गया था। और ये कब किया गया था, 15 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया था। और 15 नवंबर 2022 को हमारे मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया है। पेशा एक्ट लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बन गया है, तो ये 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्यों में ऑलरेडी पेशा एक्ट लागू किया जा चुका है। वो राज्य कौन कौन से है, तो देखिए सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश का नाम याद रखिएगा, और इसके बाद नीचे आइए तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 4 राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये कितने राज्य हो गए, 6 राज्य हो चुके हैं। 7वां राज्य हमारा मध्य प्रदेश बन गया है पेशा एक्ट लागू करने वाला। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में
परम कामरूपा सुपर कंप्यूटिंग कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये IIT गुवाहाटी में ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के दो क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला कहां कहां रखी है, तो एक तो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में और एक असम के डिब्रूगढ़ में। ग्रीन सिटी इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व के निर्माण को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दुर्गावती अभ्यारण और ये नौराधी अभ्यारण को मिलकर बनेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। देखिए हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है, तो वो है नौराधी अभ्यारण। ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कितने क्षेत्रफल में है, तो 1194 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है, तो ये है राला मंडल अभ्यारण। किस डिस्ट्रिक्ट में है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। रातापानी अभ्यारण हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वैसे तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जो 6 नेशनल पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, और एक अभ्यारण है वो कौन सा है, रातापानी अभ्यारण प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। रातापानी अभ्यारण किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 5 दिवसीय इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस महोत्सव को शासकीय कैलेंडर में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की है, तो ये मौनिया महोत्सव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौनिया महोत्सव। मौनिया नृत्य महोत्सव बुंदेलखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, और इसका आयोजन अभी कहां पर किया गया है, तो मौनिया नृत्य महोत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जावर में किया गया है। बात करें हम यहाँ पर महाबोधि महोत्सव की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के सांची में किया जाता है, बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क में किया जाता है। और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, ये 1989 में शामिल किया गया था। और छतरपुर के खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1986 में शामिल किया गया था। और भीम बेटिका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, 2003 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये सांची में किया जाता है। और निर्जनी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो जल महोत्सव का आयोजन हनुवंतिया टापू पर किया जाता है। और हनुवंतिया टापू कहां पर है, हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब किया है, तो ये 2 नवंबर 2022 को किया है। तो ये भी याद रखिएगा, 2 नवंबर 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। कहां से, तो भोपाल से। मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2007 से की गई थी, ठीक है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितनी लाडली लक्ष्मी है, तो ये 43 लाख लाडली लक्ष्मी है। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर पुरु धादिज को। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर पुरु धादिज को शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी, ये 1981 से की गई थी। और ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन से, एक तो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाएं, शास्त्रीय नृत्य और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर पुरु धादिज को, और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रंगकर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, रंगकर्म के क्षेत्र में, ये राजीव वर्मा को। और राजीव वर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। अब बात करें हम यहाँ पर रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, वासुदेव कामत को। और वासुदेव कामत का संबंध पुणे से है। अब बात करें यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये बुधादित्य मुखर्जी को। और बुधादित्य मुखर्जी का संबंध कोलकाता से है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में पुरु धादिज को, रंगकर्म के क्षेत्र में राजीव वर्मा को, रूपंकर कलाएं के क्षेत्र में वासुदेव कामत को, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बुधादित्य मुखर्जी को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत कब से हुई थी, 1981 से हुई थी। और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो तानसेन सम्मान है और कालिदास सम्मान है, इसकी राशि में वृद्धि कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा
घोषणा की गई थी। ठीक है, स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो ये प्रथम स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 2020 से की गई थी। ठीक है, इसके तहत देखिए जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी लोग हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है। ठीक है, प्रथम चरण में 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, और अगर ये लोन का भुगतान कर देते हैं तो उनको द्वितीय चरण में 20,000 रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है, और ये 20,000 का लोन का भुगतान भी कर देते हैं तो इनको तृतीय चरण में 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। और देखिए द्वितीय चरण में हमारा मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, प्रथम चरण में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला विक्टिम फ्रेंडली महिला थाना किस जिले में खुलेगा, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी में खुलेगा, तो इसका आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों, तो ये विक्रम पुरस्कार है। तो विक्रम पुरस्कार 2021 शूटिंग के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मनीषा कीर को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनीषा कीर को दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। सुदीप्ति हसेला का संबंध किस खेल से है, तो घुड़सवारी से है, और इनका संबंध किस जिले से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। आद्य तिवारी को भी दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस खेल से है, तो सॉफ्ट टेनिस से है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है। और श्रेयांशी परदेशी को भी विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है, और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार के बारे में बात करें, तो विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें हम, तो देखिए मध्य प्रदेश के संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1972 में की गई थी, लेकिन कई किताबों में इसकी स्थापना 1990 दी गई है, तो दोनों वर्ष आप याद रखिएगा। और पुरस्कार राशि इसमें देखिए पहले 1,00,000 रुपए दी जाती थी, और अब इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, यानी इस वर्ष पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी, 2,00,000 रुपए दी जाएगी। तो विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो ये 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 खिलाड़ी। तो सबसे पहले हम एकलव्य पुरस्कार के बारे में बात करें, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1994 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो ये 1,00,000 रुपए दी जाती है, और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री पारितोष शर्मा, श्री विनय प्रजापति और श्री मोहन लाल बंबोरिया तीनों को, तो इसका आंसर क्या जाएगा उपरोक्त तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, विश्वामित्र जो पुरस्कार है वह हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी MBPSC 2020 में पूछा जा चुका है, और इस बार विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से कितने प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है, 3 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है, श्री पारितोष शर्मा, श्री विनय प्रजापति, श्री मोहनलाल बंबोरिया। श्री पारितोष शर्मा की बात करें तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, और इनका संबंध किस खेल से है, तो कराटे से है। ठीक है, श्री विनय प्रजापति की बात करें तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, और इनका संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है। बात करें श्री मोहनलाल बंबोरिया की, तो श्री मोहनलाल बंबोरिया का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है, और ये किस खेल से संबंधित है, तो मलखम से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से 3 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। बात करें हम यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, इसमें पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए दी जाती है, और ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखम में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला प्रभात जोशी खेल पुरस्कार वर्ष 2021 से किस जिले के मुजाहिद बेग को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रभात जोशी खेल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, तो ये मलखंब में दिया जाता है। ठीक है, और इस बार किसे मिला है प्रभात जोशी खेल पुरस्कार वर्ष 2021, ये मुजाहिद बेग को मिला है। मुजाहिद बेग का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, इनका संबंध है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी। बात करें हम यहाँ पर प्रभात जोशी खेल पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए दी जाती है और यह पुरस्कार वर्ष 2013 से प्रारंभ किया गया है और ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने मलखंब खेल के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए विशेष योगदान दिया है। ये मलखंब एकेडमी भी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। मलखंब दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है। इसको राजकीय खेल कब घोषित किया गया था, तो ये 2013 में किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के लिए श्री बलबीर सिंह कुशवाहा का चयन किया गया है। तो श्री बलबीर सिंह कुशवाहा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपए दी जाती है और यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया है। राष्ट्रपति श्रीपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले में स्थित DRDE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट, ठीक है, और ये एक DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ही एक लेबोरेटरी है। तो इसकी आधुनिक BSL-4 लैब का वर्चुअल शिलान्यास किया है। तो ये किस जिले में किया है, ग्वालियर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कब किया था, 15 नवंबर के दिन किया था। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर जिले में स्थित DRDE की आधुनिक BSL-4 लैब का वर्चुअल शिलान्यास किया है। किया 15 नवंबर को किया, डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। 15 नवंबर के दिन ही हमारे मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया। मध्य प्रदेश के किस विभाग को इज ऑफ डूइंग बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, MSME विभाग। और MSME की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। और इसके अभी मंत्री कौन है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के, तो ये है श्री ओम प्रकाश सकलेचा। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है, उषा ठाकुर है। उषा ठाकुर के पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग एवं संस्कृति विभाग भी है। और देखिए अभी अध्यात्म विभाग का नाम चेंज कर दिया गया है, धर्मस्व विभाग कर दिया गया है, ठीक है। तो धर्मस्व विभाग की मंत्री कौन है, ये भी उषा ठाकुर ही है। मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री कौन है, तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। याद रखिएगा मध्य प्रदेश खेल विभाग की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया है। और तकनीकी शिक्षा विभाग भी किसके पास है, तो ये यशोधरा राजे सिंधिया के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है, इंद्र सिंह परमार के पास है। उच्च शिक्षा विभाग डॉक्टर मोहन यादव के पास है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, तो यह है श्री विश्वास कैलाश सारंग। मध्य प्रदेश गृह विभाग के मंत्री कौन है, तो यह है नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश MSME विभाग के मंत्री कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा। तो अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के MSME विभाग को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। MSME के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है जिसकी अपनी राज्य क्लस्टर विकास नीति है। प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये इंदौर शहर की पुलिस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी हाल ही में इंदौर शहर की पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किस संस्थान के सहयोग से, तो ये सिटीजन कॉप फाउंडेशन के सहयोग से ये ऐप लॉन्च किया गया है। और देखिए यहाँ पर इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र और सिटीजन कॉप फाउंडेशन के जो संस्थापक है राकेश जैन, तो इनके द्वारा ये नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली कितने शहरों में लागू की गई थी, 2 शहरों में, ठीक है, इंदौर और भोपाल। कब लागू की गई थी, 9 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी। डेट याद रखिएगा, ठीक है, कब लागू की गई थी, 9 दिसंबर 2021 को। इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है, तो ये हरिनारायणचारी मिश्र है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है, मकरंद देउस्कर है। जब MP पुलिस का एग्जाम हुआ था फरवरी में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है, हरिनारायणचारी मिश्र है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है, मकरंद देउस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में नर्मदापुरम जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में मानव जीवन के कितने साल पुराने साक्ष्य मिले हैं, तो ये 20,000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 20,000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ शैलाश्रयों में। आदमगढ़ शैलाश्रय कहाँ पर है, तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए यहाँ पर याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो ये आदमगढ़ शैलाश्रय में ही मिला था। आदमगढ़ दोस्तों भारत के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है गुफा शैलचित्र जो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। और RB जोशी ने 1964 में आदमगढ़ शैलाश्रय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। RB जोशी का नाम याद रखिएगा, RB जोशी ने 1964 में।
आरबी जोशी ने 1964 में आदमगढ़ शैलाश्रय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। और मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य भी कहां पर मिला था, तो ये आदमगढ़ में मिला था। और मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का साक्ष्य भी कहां मिला है, तो ये आदमगढ़ में मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सैफाली चौरसिया फीफा विश्व कप 2022 में हिंदी सॉन्ग की प्रस्तुति देखी, तो सैफाली चौरसिया का संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट से है सैफाली चौरसिया। और ये अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये कतर में किया जा रहा है। ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण है, ठीक है। तो 22वां संस्करण फीफा वर्ल्ड कप का कहां आयोजन किया जा रहा है, कतर में। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा, तो ये तीन देशों में किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। कब किया जाएगा, तो ये 4 साल के बाद यानी 2026 में किया जाएगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये रूस में किया गया था। यहाँ पर कौन सी टीम विजेता रही थी, फ्रांस विजेता रही थी। और किस टीम को हराया था, क्रोएशिया को हराया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1975 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था, तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1999 में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था पेंच राष्ट्रीय उद्यान, 1999 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1975 को की गई थी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1955 में की गई थी, ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो ये 1974 में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जो कि इसका नाम अभी नर्मदापुरम कर दिया गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। हमारे मध्य प्रदेश के ये 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और 1 अभ्यारण कौन सा है, रातापानी अभ्यारण जो कि हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो ये 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। हम यहाँ पर कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए आप सभी को पता है कि कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में अभी किस देश से चीते लाए गए हैं, तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं, 8 चीते लाए गए हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में की गई है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब की गई थी, तो ये 17 सितंबर को की गई थी, ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। और देखिए कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते कहां से लाए जाएंगे, तो ये साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जो जबलपुर का बेड़ाघाट है उसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो ये 2021 में शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साक्षी सागर झील है, इसे दोस्तों 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, 4 रामसर साइट है, ठीक है। सबसे पहले जो भोज वेटलैंड है, भोज रामसर साइट है जो कि भोपाल में स्थित है, इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भोज रामसर साइट को कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, 2002 में। उसके बाद साक्षी सागर झील जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, इसे 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा मिला था। उसके बाद इंदौर के 2 स्थान कौन कौन से, एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर, ठीक है। इंदौर के 2 स्थान रामसर साइट है कौन कौन से, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। रामसर साइट हो गए हमारे मध्य प्रदेश में 4, कौन कौन से, एक तो साक्षी सागर झील, भोज वेटलैंड, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 75 है। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है, तो ये इंदौर के लिए आलू उत्पाद का चयन किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत
इंदौर के लिए आलू उत्पाद का चयन किया गया है। और देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बैतूल जिले के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है, तो ये सागौन का चयन किया गया है। बैतूल जिले के लिए सागौन का चयन किया गया है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष कहाँ पर है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है, तो ये अमरूद का किया गया है, ठीक है। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अमरूद का किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दतिया जिले के लिए किस उत्पाद का चयन किया गया है, तो गुड़, तो दतिया जिले के लिए गुड़। अमरूद किस जिले का है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का है। आलू किस जिले का है, आलू इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और सागौन के वृक्ष किस डिस्ट्रिक्ट के है, तो सागौन के वृक्ष बैतूल डिस्ट्रिक्ट। 26 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके जन्मदिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के जन्मदिवस को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की, तो इनका जन्म कब हुआ था, ये 26 नवंबर 1870 में हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर 1870 को हुआ था डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्मदिन। और कहाँ पर हुआ था, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और इसी को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया है। ये हमारी मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिवर्सिटी थी सागर यूनिवर्सिटी, उसका नाम भी क्या कर दिया गया है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। तो देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, ये 1946 में की गई थी। फिर इसके बाद 1983 में इसका नाम जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए बात करें हम यहाँ पर जबलपुर का गौरव दिवस कब मनाया गया था, तो ये 24 जून को मनाया गया था, ठीक है। किसके बलिदान दिवस पर, तो ये गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर 24 जून को जबलपुर का गौरव दिवस मनाया गया था। देखिए इंदौर का गौरव दिवस कब मनाया गया था, तो ये 31 मई को मनाया गया था, ठीक है। इंदौर का गौरव दिवस 31 मई को मनाया गया था। इसके जन्मदिवस पर मनाया गया था, तो अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिवस पर मनाया गया था इंदौर का गौरव दिवस। और भोपाल का गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। हाल में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की थी, ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी, ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। और देखिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या था, 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था, ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डीबी रेगे थे। डीबी रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एनबी लोहानी थे। अभी कौन है, बसंत प्रताप सिंह है। फिर यहाँ पर एनके गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त है। खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू में जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उषा ठाकुर के पास हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भी है, मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी है, और मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग भी है। मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता का नाम याद रखिएगा, गोविंद सिंह है। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमत है। देखिए हनुमंतिया टापू कहाँ पर है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कौन से जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो ये 7वें जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 28 नवंबर को किसके द्वारा किया गया है, तो ये उषा ठाकुर के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मान
सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद यूसुफ खत्री को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये सम्मान कब दिया गया है इनको? 28 नवंबर को दिया गया है, ठीक है, 28 नवंबर 2022 को दिया गया। मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? धार डिस्ट्रिक्ट से है, और इनके ही पुत्र है मोहम्मद बिलाल खत्री, को भी राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मोहम्मद यूसुफ खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, और मोहम्मद बिलाल खत्री को पुरस्कार राशि के तौर पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। ये रशीदा भी खत्री का नाम भी याद रखिएगा, ये भी इनका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। आजी मुबारक खत्री का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से है। प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो हमारे देश में खेल के क्षेत्र में कोचेज को दिया जाता है, और कोचेज को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और यहां पर अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो मध्य प्रदेश में कोचेज को सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब बात करें हम यहां पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1965 में की गई थी, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख रुपए है, और जो नियमित श्रेणी है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है। तो ये सुमा सिद्धार्थ सिरूर को किस श्रेणी में दिया गया है? तो ये नियमित श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी, इसमें पुरस्कार राशि जो है वो लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए है, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए, पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है, पुरस्कार राशि इसकी 25 लाख रुपए दोस्तों। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए दी जाती है। देखिए, इसकी पुरस्कार राशि और स्थापना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचीज को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। हमारे मध्य प्रदेश में भी खेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों को मिला है। उनका नाम क्या है? कराटे के प्रशिक्षक पारितोष शर्मा को भी विश्वामित्र पुरस्कार मिला है। और पारितोष शर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? ग्वालियर से है, ठीक है। पारितोष शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो कराटे से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ग्वालियर से है। और इनको अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरे कोच कौन है? भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति, ठीक है। भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और मलखंब के कोच मोहनलाल बंबूरिया को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 3 कोचेस को दिया गया है। कौन कौन? एक तो पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति। बात करें यहां पर मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2010 में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। एमपीपीएससी 2021 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। चिंकी यादव शूटिंग से है। मनीषा कीर शूटिंग से है। मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। तो मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा। और शूटिंग के क्षेत्र में रूबीना फ्रांसिस का नाम भी याद रखिएगा। रूबीना फ्रांसिस जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। और शूटिंग के क्षेत्र में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और राही सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा, राही सरनोबत शूटिंग प्लेयर है हमारे मध्य प्रदेश की। तो हमारा ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है, और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है, और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। पांचवें स्थान पर कौन है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है?
तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है, तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। सिर्फ पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, याद रखिएगा कितने मेगावाट की, 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में, और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है, और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की अपना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था, तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है, वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में, 23,255 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था, 30% बढ़ाया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, राजीव लक्ष्मण करंदीकर को। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, और यह है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। और बात करें यहां पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में की गई थी, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये है हर्ष चौहान, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है, और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला है। देखिए दोस्तों मैं आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताता हूं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338A में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग किस अनुच्छेद में है, तो 338 में है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात करें तो पहले आता है ये 338 में है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आता है ये 338A में है, 338B में आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में, और पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है, 338B में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल सहनी है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है, 338 में है, ठीक है। संविधान के किस भाग में है, तो भाग 16 में है। और देखिए इन दोनों आयोग की स्थापना की बात करें, तो इन दोनों आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये 19 फरवरी 2004 को की गई थी, ठीक है। डेट याद रखिएगा 19 फरवरी 2004 को की गई थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना। इन दोनों आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, और इन दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, ठीक है। इसकी भी डेट याद रखिए, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है, और ये 8वें अध्यक्ष है, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। अभी हमारे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, मनोहर ममतानी बने हैं, ठीक है। तो मनोहर ममतानी का नाम भी याद रखिएगा, ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। हमारा हाल में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कि दोस्तों हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट हर घर जल वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। दिल्ली में मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रविन्द्र मोरे को, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित सबसे अधिक ग्रामों वाला जिला कौन सा है, भिंड जिला है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे
मध्य प्रदेश में कितने जिलों को चयन किया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में, ये 1074 ग्रामों का। इसमें सबसे ज्यादा गांव कहाँ के हैं, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट के हैं। और हाल ही में किस जिले के रत्नेश पांडे को भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया चैंपियन घोषित किया गया है, तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट के है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस अभियान के निगरानी मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है, तो ये मिशन वात्सल्य अभियान की निगरानी मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य कब प्रारंभ किया गया था, ये 2009-10 में प्रारंभ किया गया था। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य यानी बाल संरक्षण सेवा योजना शुरू की। मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना है। बात करें यहाँ पर मिशन सास की, तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी, ये 5 फरवरी 2021 से की गई थी। ठीक है, मिशन सास की शुरुआत 5 फरवरी 2021 से की गई थी। और कहाँ से की गई थी, तो हमारे देश की राजधानी भोपाल से की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, हमारे मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मिशन सास की शुरुआत की थी। देखिए मिशन सास की फुल फॉर्म भी होती है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, SAAS। ठीक है, तो मिशन सास की फुल फॉर्म क्या होती है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और सास अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित है। और बात करें हम यहाँ पर मिशन ग्रामोदय की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये 18 मार्च 2021 से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ से की थी, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट से की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मिशन ग्रामोदय की शुरुआत कहाँ से की गई थी, धार डिस्ट्रिक्ट से की। ग्रामोदय मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। बात करें यहाँ पर पंख अभियान की दोस्तों, तो पंख अभियान की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कब की गई थी, ये 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी। किसने की थी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। पंख अभियान का भी फुल फॉर्म होता है पी से प्रोटेक्शन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज और एच से हेल्थ और हाइजीन। तो देखिए राज्य शासन ने मिशन वात्सल्य की निगरानी मूल्यांकन एवं समीक्षा के लिए उसने हमारा मध्य प्रदेश का पहला बॉन बैंक किस जिले में बनाया जाएगा, तो हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर के MGM कॉलेज यानी महात्मा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली है, तो ये 2000 साल पुरानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2000 साल पुरानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े कई तथ्य सामने भी आए हैं, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 2000 साल पुरानी 26 मानव निर्मित गुफाएं मिली है और 26 मंदिर भी मिले हैं और 46 मूर्तियां मिली है। और बात करें यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1968 में की गई थी। और ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो ये 1993 में शामिल किया गया था। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है। और बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, ये 1955 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1979 में की गई थी। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, ये 2018 में दिया गया था। और यहाँ पर अभी हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की गई है, कब की गई थी, ये 17 सितंबर से की गई है। कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाल में मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों, तो ये सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सूर्य शक्ति अभियान। और दोस्तों बात करें यहाँ पर सोलर पार्क परियोजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2020-21 में हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, मुरैना, सागर और रीवा जिले में सोलर पार्क परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है।
और हमारे मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर प्लोटिंग परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी जा चुका है। और बात करें हम यहाँ पर सोलर रूफटॉप परियोजना की, तो हमारे मध्य प्रदेश में सोलर रूफटॉप परियोजना से लगभग 40 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं और यह परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों जैसे पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अस्पतालों, महाविद्यालयों, चिकित्सा महाविद्यालय भवनों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्रत्येक नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा स्रोतों के सही उपयोग के व्यय अपव्यय से अवगत कराने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत भी की गई है। इसी के तहत दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंग। तो इन्होंने ऊषा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में जो साक्षी है तो वो हमारे देश की दूसरी और हमारे मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा सांची को, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। कॉन्क्लेव में हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हमारे देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सोया की, तो हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोयाबीन उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मध्य प्रदेश। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर और दतिया डिस्ट्रिक्ट में साइबर तहसील लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एक तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरे चरण में साइबर तहसील के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिलों को चिन्हित किया गया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर। ठीक है, तो पहले 2 जिले कौन कौन से थे? एक तो सीहोर था और एक दतिया था पहले चरण में, और दूसरे चरण में इंदौर है, हरदा है, डिंडोरी है, सागर है। हाल ही में सतना जिले में, ठीक है, सतना जिले के चित्रकूट में 4 दिवसीय मतलब 9 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ग्रामोदय मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इनके पास कौन से विभाग है? कौशल एवं विकास एवं उच्च शिक्षा विभाग है, श्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान। अमित शाह हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है। 16 अक्टूबर को हमारे मध्य प्रदेश में आएंगे और यहां मेडिकल में हिंदी की पुस्तक है उसका विमोचन भी करेंगे। कब? 16 अक्टूबर को। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे देश के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री है और श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में हमारे मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 66 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 66 पदक जीते हैं हमारे मध्य प्रदेश ने। देखिए राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। और ये कौन सा राष्ट्रीय खेल था? 36वां राष्ट्रीय खेल था। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में देश में हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो ये 7वां स्थान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 7वां स्थान। में फर्स्ट प्लेस पर सर्विसेज है, सेकंड प्लेस पर महाराष्ट्र है, थर्ड प्लेस पर हरियाणा है और फोर्थ प्लेस पर कर्नाटका है, फिफ्थ प्लेस पर तमिलनाडु है, सिक्स प्लेस पर केरला है और सेवंथ प्लेस पर हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने कुल 20 गोल्ड मेडल, 25 सिल्वर मेडल और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। हाल ही में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बेड़ाघाट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में है। और किस नदी के किनारे पर है? तो नर्मदा नदी के किनारे पर है। हाल ही में मिसेज मध्य प्रदेश 2022 गोल्ड कैटेगरी का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है तमन्ना कुरैशी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। और ये है तमन्ना कुरैशी, इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया था? मिसेस मध्य प्रदेश 2022 का आयोजन ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था और इसकी जज कौन थी दोस्तों? अदिति गोवित्रीकर थी, ठीक है। और दोस्तों जो अदिति गोवित्रीकर है ये 2001 में मिसेस मध्य प्रदेश रह चुकी है। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से हमारे मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कौशर सिद्दगी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। कौशर सिद्दगी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हम यहाँ पर सुमित्रा महाजन की दोस्तों, तो इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको ताई के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए दोस्तों इनको 2021 का
पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे? सुमित्रा महाजन से। और ये हमारे देश की दोस्तों दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। बात करें यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी की दोस्तों, तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है और ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनको दोस्तों 2014 को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? पीस यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीजेई में पूछा गया था, एमपीजेई व्यापम में पूछा गया था 2018 में। और दोस्तों इनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये 1980 में की गई थी। ठीक है, कपिल तिवारी की बात करें दोस्तों, तो कपिल तिवारी का संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ दोस्तों भूरीबाई का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। और भूरीबाई को भी दोस्तों 2021 का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भूरीबाई का संबंध दोस्तों किस जनजाति से है? तो ये भील जनजाति से है। भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? तो चित्रकला से है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है दोस्तों? तो ये 2027 तक रखा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरण परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना 2022 का शुभारंभ किया दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कटनी डिस्ट्रिक्ट। ये कब किया दोस्तों? 7 अप्रैल 2022 को। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा साक्षरता अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊषा अवार्ड देने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, यूएन हैबिटेट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए अपना एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बन गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल की दोस्तों यूएन यानी यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के सहयोग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए एक्शन प्लान बनाने वाला देश का पहला शहर भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और बात करें दोस्तों हम यहाँ पर यूएन की, तो यूएन फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरेस है। और इसमें सदस्य कंट्री कितनी है दोस्तों? 193 है। और 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान था। देखिए दोस्तों कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये गोल कब तक प्राप्त कर लिए जाएंगे? यूनाइटेड नेशन ने कब तक इसका लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर नो पुअर्टी है, सेकेंड पर जीरो हंगर है, थर्ड पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, फोर्थ पर क्वालिटी एजुकेशन है। उन्मूलन अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। और दोस्तों क्षय उन्मूलन यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस अभियान में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों क्षय उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो क्षय उन्मूलन अभियान है कब से कब तक चला था दोस्तों? 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलाया गया था। इसमें दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है? तो वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों हमारा देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इनके द्वारा अभी सम्मानित किया गया है दतिया डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर कौन है दोस्तों? संजय कुमार जी को।
और किस लिए सम्मानित किया है दोस्तों, तो दतिया जिला प्रशासन को पोषण अभियान में जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों दतिया जिले ने जन भागीदारी के माध्यम से पोषण अभियान में मेरा बच्चा अभियान की शुरुआत की गई। इसके साथ ही दोस्तों दतिया डिस्ट्रिक्ट में पोषण मटका थीम में कुपोषित बच्चों के परिवारों को खाद्यान्न सहयोग देने के लिए भी समुदाय को प्रेरित किया गया है। और दतिया डिस्ट्रिक्ट के साथ ही इंदौर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर मनीष सिंह को स्वच्छ इंदौर अभियान के लिए नागरिक सरकारी इंटरफेस के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे मध्य प्रदेश के संचालक एमएसएमई श्री विशेष गढ़पाले हैं, तो इनको दोस्तों सरकार और नागरिकों के बीच अलग अलग इंटरफेस के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसी क्रम में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी श्री अजय तिर्की को वन नेशन वन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए नवाचार के लिए पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महत्वाकांक्षी योजना कन्या विवाह योजना की पुनः शुरुआत कहाँ से की है दोस्तों, तो ये नरसुल्लागंज सीहोर डिस्ट्रिक्ट से की है। कल मैंने रायसेन डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था उसके लिए सॉरी, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कन्या विवाह एवं निकाह योजना की शुरुआत कब से की गई थी, तो ये 2006 से की गई थी, ठीक है। दोस्तों इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 55,000 रुपए की राशि दी जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर गोविंद सिंह। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे, तो ये थे श्री विष्णुनाथ यादव राव तामस्कर जी। और यहाँ सत्यदेव कटारे की बात करें दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र विपक्ष नेता थे दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो बात करें हम यहाँ पर जमुना देवी की, तो दोस्तों जमुना देवी हमारे मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला विपक्ष नेता रही है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता कौन थे जो मुख्यमंत्री भी बने, तो वो थे श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, ठीक है, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम विपक्षी नेता थे जो हमारे मध्य प्रदेश के बाद में मुख्यमंत्री भी बने। अभी हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्षी नेता कौन थे, तो ये थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब बने हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के कौन से विपक्षी नेता है, तो सुलवे है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो ये है श्री गिरीश गौतम। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मंगूभाई पटेल। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, तो श्री इकबाल सिंह बैस है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पादुका योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है दोस्तों, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये डॉक्टर नारायण व्यास को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ याद रखिएगा 2019-20 का डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान किसे मिला है, डॉक्टर नारायण व्यास को। और 2018-19 का किसे मिला है, प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, ठीक है। तो 2019-20 का डॉक्टर नारायण व्यास को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, 2016-17 का प्रोफेसर वी एच सोनवने को, और 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए 2016-17 का मिला है प्रोफेसर वी एच सोनवने को, ठीक है, 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार को, 2018-19 का प्रोफेसर रविंद्र कोरिसेट्टार को, और 2019-20 का जो है वो डॉक्टर नारायण व्यास को दिया गया है। आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की बहुधातु प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वेननेस ओंकारेश्वर में स्थापित होगी दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ये होगी 108 फीट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ओंकारेश्वर कहाँ पर स्थित है, ये किस जिले में स्थित है, ये तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, कहाँ कहाँ पर, एक तो महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है, और एक ओंकारेश्वर, ये कहाँ पर स्थित है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ये महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए महिला सुरक्षा शाखा कर दिया गया है, महिला अपराध शाखा का नाम बदल गया। मध्य प्रदेश से कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह ध्रुवे और दुर्गाबाई व्याम तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीनों राम सहाय पांडे कौन से है दोस्तों, तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह ध्रुवे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम, इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन कौन से है दोस्तों, तो एक तो राम सहाय पांडे हो गए, अर्जुन सिंह ध्रुवे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई, एक दोस्तों एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर के दोस्तों जो बेड़ा घाट है वहां पर एक लंबेटा घाट है, ठीक है, जिसको वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था दोस्तों, तो वहां पर बनाया जाएगा भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, ठीक है। देखिए दोस्तों 2021 में हमारे मध्य प्रदेश की दो प्लेस यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की प्रशिक्षण सूची में शामिल किया गया था, वो कौन कौन से है, तो एक तो सतपुड़ा नेशनल पार्क था और दूसरा कौन सा था, लंबेटा घाट जो कि बेड़ा घाट में है, जबलपुर में स्थित है, और वहीं पर दोस्तों भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क बनाया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खंडवा के जिले में दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों ये किन दो कंपनियों के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जाएगा, तो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम के द्वारा लगाया जाएगा। देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में खुलेगी दोस्तों, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में खुलेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष क्रिकेट एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। देखिए ये पहले कहां पर था, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में था, अब उसको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कर दिया गया है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है दोस्तों, आपको बताना है इसकी क्षमता कितनी है, तो दोस्तों इसकी क्षमता है 600 मेगावाट की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 750 मेगावाट का सोलर पार्क कहां पर है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, और ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा भी गया था क्वेश्चन। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में 950 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करने की स्वीकृति भी अभी हाल ही में प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के किस जिले की जोधैया बाई बैगा को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों, उमरिया डिस्ट्रिक्ट की है, तो इसका आंसर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये है जोधैया बाई बैगा, ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो चित्रकला से इनका संबंध है। ये दोस्तों जोधैया बाई बैगा जनजाति संस्कृति को कैनवास पर चित्रित भी करती है, और इसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में भगोरिया, इसको दोस्तों भोगरिया भी कहा जाता है, ठीक है, भोगरिया उत्सव या भगोरिया उत्सव, तो ये निम्न में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है दोस्तों, तो ये झाबुआ क्षेत्र में आयोजित किया गया है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झाबुआ। और दोस्तों भगोरिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये भील जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों, तो वो भी भील जनजाति है। तो गोल गधेड़ो उत्सव भी किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो वो भी भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, ठीक है, और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड जनजाति है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए रुपे कार्ड और ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से हमारा मध्य प्रदेश पहले ही जुड़ गया था, और अभी हाल ही में संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए भी रुपे कार्ड और ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये 55,000 रुपए करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर
ई। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इसकी पहले राशि दोस्तों 51,000 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर 55,000 कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, ये 2006 से हुई थी। तब इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना रखा गया था। इसके बाद दोस्तों 2015 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना था। ये हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल और जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए किस मिशन का संचालन किया जाएगा, तो ये मिशन सेहत का संचालन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में मिशन सेहत चलाया जाएगा जिसके तहत जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल है तो उनकी बेहतर देखभाल और संधारण के लिए सेहत मिशन का संचालन किया जाएगा। सुन दोस्तों, हमारा लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तो साहित्य अकेदमी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 को की ये थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है, इसके निदेशक कौन है दोस्तों, विकास दवे है। देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम यानी प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये RR KET इंदौर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RR KET इंदौर। इसके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, RR KET की, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी कौन सा है, तो ये RR KET है। ठीक है, इंदौर में स्थित है राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कण त्वरक तथा संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिया ने 19 फरवरी 1984 को इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। और प्रयोगशाला तथा घरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। इसको सुन दोस्तों, हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। तो हमारा मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है, तो ये मध्य प्रदेश की शूटिंग अकादमी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शूटिंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों, शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो MPPSC का प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से था। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, तो चिंकी यादव भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों चिंकी यादव को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एकलव्य पुरस्कार है वो 2017 में मिला था। विक्रम पुरस्कार कब मिला था इनको, तो ये 2019 में मिला था। सुन दोस्तों, हमारा हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों, तो ये किस जिले का है दोस्तों, गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर सीख का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनूपपुर। दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की दो महत्वपूर्ण नदियां, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2021 के प्री में, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, किस शहर में है, अमरकंटक में है। सुन दोस्तों, हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा योग आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है, तो यह हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। सुन दोस्तों, हमारा हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा, तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। दोस्तों हमारा हाल ही में किस जिले में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। और ये कब से कब तक किया गया दोस्तों, 9 जुलाई से 10 जुलाई तक किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों, आज के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, देश का पहला राम म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये जून 2021 में किया गया था।
तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जून 2021। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में ISSF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या थी दोस्तों, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन इवेंट में कौन सा पदक जीता है, किसके द्वारा दोस्तों, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा, तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोल्ड मेडल। और दोस्तों सबसे पहले बात करें हम ISSF की, तो इसके फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, म्यूनिच में है। म्यूनिच कहां पर है, ये जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी और इसके अभी हेड कौन है दोस्तों, व्लादिमीर लिसिन है, ठीक है। बात करें दोस्तों अब यहां पर हम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के है, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के है। इनको दोस्तों 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 1,00,000 रुपए है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1994 को की गई थी। तो अभी हाल ही में MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है, तो संबंध है शूटिंग से, ठीक है। चिंकी यादव का संबंध भी शूटिंग से है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का भी संबंध शूटिंग से है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहां पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। 2021 का जो शूटिंग में एकलव्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, प्रीति रजक को दिया गया है। और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो ये नर्मदापुरम से है, ठीक है। और 2021 का दोस्तों शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार किसे मिला है, निधि चौहान को मिला है। और सुनिधि चौहान का संबंध कहां से है दोस्तों, तो इनका भी संबंध भोपाल से है। MPPSC 2021 में दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो विवेक सागर है इनका संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है, ठीक है। और विवेक सागर को दोस्तों 2021 का हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है दोस्तों, तो ये बुरहानपुर बन गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बुरहानपुर जिला बन गया है। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश को, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, तो 13वां स्थान मिला है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 13वां स्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर पहली यूथ पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। हाल ही में 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों, ये 116वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था, ये 1906 में हुआ था, ठीक है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था दोस्तों। इसके पहले MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था, और ऑप्शन में दोस्तों अलीराजपुर नहीं दे के झाबुआ दिया था, आंसर क्या हो गया था, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर बना था, कब बना था, तो ये 2008 में बना था। 20 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उस टाइम दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना, ये 2008 में बना, ठीक है। और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए दोस्तों दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, कौन कौन सी, एक तो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से, ठीक है। और झाबुआ भी दोस्तों अपनी बॉर्डर जो है दो राज्यों के साथ शेयर करता है, एक तो गुजरात से और एक राजस्थान से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट किन दो राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों हमारा, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है दोस्तों, नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश की दतिया डिस्ट्रिक्ट को मिला है दोस्तों। और हमारे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों, तो ये श्री वीरेंद्र कुमार हैं। दोस्तों क्वेश्चन आया कि नशा मुक्त भारत अभियान 2020-21 में कितने जिलों में शुरू किया गया था, तो ये 272 जिलों में शुरू किया गया था। और दोस्तों नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 जून को मनाया जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, तो दोनों अवार्ड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।